गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय एफएसटी क्लास। स्टूडेंट्स, दिस इज योर एफएसटी क्लास ऑगस्ट 5। तो स्टूडेंट्स, इस एफएसटी क्लास में पिछले दिन आप लोगों ने चैप्टर 90 जिस चैप्टर का नेम था द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वुमेन स्टार्ट की थी। तो टुडेस माय टॉपिक आर डिवाइड एंड होल पॉलिसी, सेकेंड है द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड थर्ड है द स्वदेशी मूवमेंट। तो आइए सबसे पहले देखें डिवाइड एंड होल पॉलिसी। डिवाइड एंड होल पॉलिसी जिसका मतलब होता है कि फूट डालो और राज करो। ये पॉलिसी किसकी थी? एक अंग्रेजों ने अपनाया था इस पॉलिसी को। तो आइए देखते हैं कि एज द टाइम पास्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम ए स्ट्रॉन्ग एंड ट्रूली नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, एक मजबूत और सही मायने में राष्ट्रीय संगठन बन गई। द होल कंट्री लुकेड टुवर्ड्स इट फॉर गाइडेंस, और पूरे देश ने मार्गदर्शन के लिए किसकी ओर देखा? इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर देखा। जब भी किसी को गाइड मतलब कोई मार्गदर्शन लेना पड़ता था तो ये कहाँ जाते थे? इसी टीम के पास जाते थे। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो टीम था, इन्हीं के पास जाते थे। द ब्रिटिश वेयर फीलिंग इंक्रीजली थ्रेटेनेड बाय द ग्रोथ ऑफ नेशनल फीलिंग अमंग द इंडियंस एंड ट्राइड टू क्रश इट। और भारतीय के बीच राष्ट्रीय भावना के विकास से अंग्रेज जो है सो अधिकाधिक भयभीत महसूस कर रहे थे। अब इंडियन के अंदर जैसे ही जो है सो अपने राष्ट्र के प्रति जो है सो प्रेम की भावना, अपने राष्ट्रीयता की भावना जो आ रही थी, इससे जो है सो अंग्रेज अपने आप को बहुत भयभीत हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये जब सारे एक हो जाएंगे तो हमें एक दिन इंडिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। एंड दे मेड सेवरल अनपॉपुलर लॉज टू सप्रेस द मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज। They then thought of divide and rule policy to weaken the freedom movement. तो अंग्रेजों ने इसको दबाने के लिए, इस मूवमेंट को दबाने के लिए जो है सो बहुत सारे अलोकप्रिय कानून बनाए, और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो है सो ये जो स्वतंत्रता आंदोलन था इसको कमजोर करने के लिए जो है सो उन्होंने क्या किया? फूट डालो और राज करो की नीति के बारे में सोचने लगा। They feel that if they would divide the Indians on the basis of religion, they could continue to rule India. और उन्हें लगा कि अगर वे भारतीयों को धर्म के आधार पर बांट देंगे तो वे भारत पर शासन करना जारी रख सकते हैं। कौन? अंग्रेज। उनको लग रहा था कि ये धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर अगर भारतीयों को बंटवारा कर देते हैं तो वे अपना शासन जो है सो इंडिया में जारी रख सकते हैं। तो सेकेंड है आपका द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। बंगाल वॉज द सेंटर ऑफ ऑल नेशनलिस्ट एक्टिविटीज, देयरफॉर लॉर्ड कर्जन डिसाइड टू डिवाइड बंगाल इनटू ईस्ट बंगाल फॉर द मुस्लिम्स एंड वेस्ट बंगाल फॉर द हिंदूज। तो उस समय जो है सो बंगाल जो था सो सभी राजकीय गतिविधियों का केंद्र था, और इसलिए लॉर्ड कर्जन ने जो है सो पूर्वी बंगाल को मुसलमानों के लिए और पश्चिमी बंगाल को हिंदुओं के लिए विभाजित करने का फैसला किया। एंड इन 1905 बंगाल प्रोविंस वाज पार्टीशनिंग, द लॉ कर्जन गेव एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एज द रीजन फॉर डिवाइडिंग बंगाल, बट द इंडियंस अंडरस्टूड दैट द रियल रीजन बिहाइंड दिस डिसीजन वाज टू डिवाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उस समय जो है 1905 में बंगाल प्रांत का विभाजन हुआ था, और लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल को बांटने का कारण जो है सो प्रशासनिक सुविधा देना था। लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिशर्स थे उनका कहना था कि इसे जो बंगाल को हम इसलिए बांटते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रशासनिक सुविधा अच्छा से दे पाएंगे, पर भारतीय समझ गए थे, जो इंडियंस थे वो समझ गए थे कि इस फैसले के पीछे का असली कारण उन्हें क्या है? धर्म के आधार पर बांटना है। उन्होंने तो अपनी चालाकी दिखाई, वे तो कहे किसी जो नहीं, इसको जो है सो प्रशासनिक सुविधा ज़्यादा मिलेगा इसलिए इसको बांटना पड़ेगा, बट उनकी जो चालाकी थी उसको भारतीय समझ गए, और उसके असली कारण जो था उन्हें धर्म के आधार पर बांटना था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एनवेसली कॉन्डिमांडेड द पार्टीशन द होल कंट्री, स्टूड अप एंटेडली अगेंस्ट
दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टार्टेड ए वेव ऑफ इंडिगनेशन एंड द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड ऑल ओवर द कंट्री। और सरकार के इस फैसले के खिलाफ जो है सो पूरे देश एकजुट होकर खड़ा हो गया। सरकार ने जब ये फैसला लिया उसके खिलाफ जो है सो पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो गया और बंगाल के विभाजन से आक्रोश किला शुरू हो गई। जो बंगाल का विभाजन हुआ था वहां से आक्रोश किला शुरू हो गई और वहां से जो है सो किस चीज का स्टार्टिंग हुआ, द पार्टीशन ऑफ बंगाल स्टार्टेड ए वेव ऑफ इंडिगनेशन एंड स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड ऑल ओवर द कंट्री। और वहीं से जो है सो वहीं लोग इतने आक्रोशित थे कि वहीं से स्वदेशी आंदोलन जो है सो पूरे देश में शुरू हो गए। थर्ड आपका है स्वदेशी मूवमेंट टू प्रिवेंट टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। द इंडियन लीडर्स फाउंड ए नोवेल वे, दे स्टार्टेड व्हाट वाज नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट। पीपल वेयर आस्क टू बॉयकॉट ऑल ब्रिटिश गुड्स। बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए भारतीय नेताओं ने नए तरीके अपनाए। कौन सा नया तरीका अपनाया? उन्होंने जो मूवमेंट शुरू किया उसे कौन से नाम से जाना जाता है? उन्हें स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। जब बंगाल का विभाजन हुआ था इसी आक्रोश में जो है उन्होंने इस मूवमेंट का स्टार्ट किया था, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। लोगों को सभी ब्रिटिश सामानों को बहिष्कार करने के लिए किया कहा गया। जितने भी ब्रिटिश सामान थे जिसका इंडियंस यूज करते थे उस सभी सामानों को बहिष्कार करने के लिए कहा गया था। और दे वेयर आस्क्ड नॉट टू विजिट एनी शॉप दैट सोल्ड ब्रिटिश क्लॉथ्स और अदर फॉरेन गुड्स। शॉप सेलिंग ब्रिटिश गुड्स वेयर लूटेड एंड पीपल मेड वुड फायर्स ऑफ ब्रिटिश क्लॉथ्स। और उन्हें विदेशी कपड़े या अन्य विदेशी सामान बेचने वाली दुकान पर जो नहीं जाने के लिए कहा गया था और ब्रिटिश सामान बेचने वाली दुकानों को लूट लिया गया था। और बहुत से जो विदेशी जो ब्रिटिश क्लॉथ थे उसे जो है सो आग लगा दिया गया था। मूवमेंट ऑल्सो टुक एक्टिव पार्ट इन स्वदेशी मूवमेंट। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट था इसका जो हिस्सा थी वो महिलाएं भी थी, यानी कि महिलाओं के अंदर भी जो है जो राष्ट्रीयता की भावना जगी हुई थी। द मूवमेंट बिकेम ए बिग सक्सेस इन बंगाल वेयर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट टुक पार्ट इन द मूवमेंट। और उसके बाद जो है सो इस मूवमेंट का इस स्वदेशी जो आंदोलन था इसका हिस्सा जो है सो स्टूडेंट्स ने भी लिया था। बहुत भारी संख्या में हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने भी इसका हिस्सा में भाग लिया था। पीपल प्लेस टू यूज ओनली इंडियन और स्वदेशी गुड्स। द मूवमेंट शुड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री लाइक मुंबई पुणे चेन्नई इत्यादि। और धीरे धीरे जो है सो ये सारे कंट्री में फैलता गया। आपको मुंबई पुणे चेन्नई तक जो है सो इंडिया के बहुत सारे पार्ट में इस मूवमेंट की स्टार्टिंग हो गई थी। द ब्रिटिश वेयर फोर्स टू एडमिट देयर डिफीट एज दे वेयर नॉट एबल टू सप्रेस दिस मूवमेंट। और अंग्रेजों को अपनी हार जो है सो स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा था क्योंकि जो वे उसको दबा नहीं सकती थी, क्योंकि ये सारे लोग में यूनिटी, इसीलिए तो कहा गया कि एकता में बल होता है। ये सारे लोग जो है सो जैसे बंगाल से स्टार्ट हुआ और धीरे 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 जो है सो इंडिया के बहुत सारे पार्ट में शुरू हो गया। लोग जो है सो विदेशी सामानों को बहिष्कार करना शुरू कर दिए। तो अंग्रेज जो है सो अपनी हार उसको अब लगा कि अपनी हार हमें स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि इसको वे नहीं दबा सकते। At least in 1911, the British government abolished the partition of Bengal. This was a great victory for the Indians. और last में जो है सो बंगाल के विभाजन को 1911 ईस्वी में जो है सो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रोकना पड़ा और यह जो है सो इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। ये जो है सो इंडियंस के लिए जो है सो ये स्वदेशी मूवमेंट जो था सो बहुत बड़ी जीत थी और उन्हें लग रहा था कि अब अंग्रेज को हम बाहर निकालने में सक्सेस हो पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका जो तीन टॉपिक था जिसको आज मैं डिक्लेयर की हूँ, फर्स्ट था आपका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, सेकेंड था पार्टीशन ऑफ बंगाल और थर्ड है स्वदेशी मूवमेंट। इस तीनों टॉपिक में अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है
तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पे फिर से मिलेंगे।